नहीं देखेंगे क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं। अभी सरकार बना रही है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। सरकार में आप होते तो जरूर देखते दादा। तो इसका भी मैं, दादा ने जो कहा इसको मैं बताऊंगा, इसके कुछ डायमेंशन भी सदन के सामने रखूंगा। मैं एडवांस में आश्वस्त करने के लिए कह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं। मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं कभी, कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। तो माननीय अध्यक्ष जी, अतः मेरा सभी सदन के पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों से अनुरोध है, इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। इसके पीछे सरकार की मंशा कानून को और ज्यादा मजबूती के साथ प्रस्तापित करने के अलावा कुछ नहीं है। जो दोषी है इनकी दो सिद्धि कर उनको समाज के अंदर से अलग कर उनको भी सुधरने की एक मौका देने के अलावा कुछ नहीं है। और आगे पर यहां देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यही हमारी मंशा है। धन्यवाद। नहीं देखेंगे क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं। अभी सरकार बना रही है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। सरकार में आप होते तो जरूर देखते दादा। तो इसका भी मैं, दादा ने जो कहा इसको मैं बताऊंगा, इसके कुछ डायमेंशन भी सदन के सामने रखूंगा। मैं एडवांस में आश्वस्त करने के लिए कह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं। मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं कभी, कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। तो माननीय अध्यक्ष जी, अतः मेरा सभी सदन के पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों से अनुरोध है, इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। इसके पीछे सरकार की मंशा कानून को और ज्यादा मजबूती के साथ प्रस्तापित करने के अलावा कुछ नहीं है। जो दोषी है इनकी दो सिद्धि कर उनको समाज के अंदर से अलग कर उनको भी सुधरने की एक मौका देने के अलावा कुछ नहीं है। और आगे पर यहां देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यही हमारी मंशा है। धन्यवाद। श्री मनीष तिवारी जी।